गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको संगम घाट का पूरा व्लॉग दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरी देखना। यहाँ पे मैं स्पेशली इन पक्षियों के लिए शूट करने के लिए आई हुई हूँ और ये पक्षी मॉर्निंग पर ही यहाँ पर देखने को मिलते हैं और यह साइबेरियन पक्षी कहलाते हैं और इस टाइम पे यहाँ पर आकर रहते हैं क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिस वजह से इनके बच्चे नहीं निकल पाते अंडों से बाहर, इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से वो चले जाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि एकदम नदी के किनारे पे हूँ, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक कैप तो पहना ही है मैंने, जैकेट वाला कैप भी पहन लिया क्योंकि ठंड लग रही है। आप जैसे भी देखो पर ठंड लग रही है, कान मेरा एकदम सिर दुखने लगता है तो पहनना पड़ा। लेकिन कुछ भी कहो यार, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है। बस एक बात मुझे बेकार लग रही है कि नदी के किनारे जो ये कचरा है ये साफ नहीं होता क्योंकि ये बह बहकर किनारे आ ही जाता है। पापा भी आए हुए हैं, पापा कैमरा पकड़ कर खड़े हैं। पापा भी आज काफ़ी हेल्प की है मेरी व्लॉग बनाने पर, काफ़ी ज़्यादा सुन मेरा बात। शूट कर रही हूँ।
मौसम में देखने को यहाँ पर मिलते हैं और कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। तो मैं उनका ही वीडियो बनाने के लिए आई हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं उनका शूट कर पा रही हूँ। मेरे सामने वो दिख रहे हैं, लेकिन मैं जैसे उनके पास जाऊँगी तो वो उड़ जाएंगे गिर कर कर। तो मैं कोशिश करती हूँ दिखाने की। मुझे लगा था कि ये डरते नहीं होंगे, और मैं अपने छोटे कैमरे से जो पापा ने पकड़े हैं उस कैमरे से मैं इनका शूट कर पाऊंगी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जूम करके मुझे दूर से लेना पड़ेगा। ये तो डर के कारण उड़ ही जाते हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है। जैसे जैसे धूप आती आ रही है, कोहरा और ज्यादा बढ़ते आ रहा है। देखिए अब कितना अच्छा नजारा है, हवा बहुत चल रही है, हमें थक गई है काफी। हम वहाँ पे गए, वो वहाँ पर ही हुई है, वहाँ पे मैंने शूट किया था। अभी कहाँ सारे चढ़ते रहे इतनी दूर से, यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हमें काफी थक गए। मैं हाफ में लगी सुन पा रही हूँ ना, और यहाँ पे पता है अभी पानी आने वाला है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी पानी की बूंद मेरी पर अभी आई। तो फटाफट से कुछ मंदिर कवर कर लेती हूँ मैं यहाँ पर, जो कि पुराने मंदिर हैं, उनका थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, फिर चलते हैं हम घर। फ्रेंड्स ये वाली नाव यहाँ पर चलती है, देखने में बहुत सुंदर है। मैं इसमें बैठ के आऊँ? वो फिर ठंडी हवा। तो फ्रेंड्स अभी हम नदी के किनारे से वापस जा रहे हैं मंदिर की तरफ, वहाँ पे देखते हैं कुछ दिखाने लायक होगा, कुछ मंदिर पुराना सा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो पे, और फिर हम चलते हैं घर। पानी की बूंद आई मेरे ऊपर।